दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को लालू बिहार मंच के द्वारा गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी अध्यक्षता लालू विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष शमीम उर्फ दीपू ने की। उन्होंने लालू विचार मंच के बारे में जिला एवं बिहार प्रदेश वासियों को लालू विचार मंच के बारे में अवगत कराया। राकेश कुमार जी को बिहार प्रदेश प्रवक्ता बिहार बनाया गया। मुकुल देव कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष की भी घोषणा की गई। अफजल इमाम को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल आलम जिला उपाध्यक्ष गया, मोहम्मद दानिश जिला उपाध्यक्ष गया, मोहम्मद मुन्ना जिला महासचिव गया, मोहम्मद जावेद जिला सचिव गया, मोहम्मद तंजिल जिला सचिव गया। लालू विचार मंच के बिहार प्रदेश सचिव आलमगीर अशरफी, लालू विचार मंच के बिहार महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता यादव, लालू विचार मंच के जिला अध्यक्ष गया अफजल इमाम, लालू विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष युवा राजू नारायण पाठक। प्रदेश अध्यक्ष, हमें इस जगह पर पद दिया गया है और मैं तहे दिल से मेहनत लगन से पूरे कर रहा हूँ, करते आ रहे। पहले से मैं कर्ज करता था, आरजेडी की थी और हमेशा रहती हूँ, रह रही थी और उसके बाद जो मोदी बोले थे कि घर घर मोदी हैं, तो देखिए घर घर नौकरी है और बिजनेस में आप देख ही रहे हैं, महंगाई में देख ही रहे हैं, इतना अच्छा मतलब मोदी दिए ना, कहना नहीं है। और हम लोग इससे बहुत खुशी से इनको नहीं चाह रहे हैं, इतने भरी दिए कहना ही नहीं है। हम लोग गरीबी का ना नेता चुनते हैं, गरीब हम लोग हैं, गरीबी के नेता को हम लोग का चाहिए बस। इस आगे हम क्या कहें, बाकी आप लोग हर चैनल को देख ही रहे हैं, हर पार्टी को देख ही रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि रोजगार महंगाई पर कुछ देखिए, आप आगे बढ़ के क्या होता है। अपराध चरम सीमा पे है। कल रात में एक सहघाटी में एक हत्या हुआ है, और एक नाम के व्यक्ति उस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार के ऊपर? वही कहना चाहेंगे कि सरकार जो कहते कि जंगल राज है, आरजेडी का बिहार जंगल राज है, तो भाई बिहार जंगल राज था तो आप लोग ये तो मतलब दीन दृष्टि आप लोग मर कर, तो इसके क्या कहा जाए? घर घर मोदी, इसका क्या कहा जाए? यही ना कि घर घर में घुस घुस के मर्डर हो जा रहा, महिलाएं लोग के मतलब निकल रहे रोड पर तो उसका दुपट्टा खींचा जा रहा, ये सब क्या है? तो कहाँ जंगल राज सुधरा, उससे बढ़कर तो जंगल राज हो गया ना, कभी तो सुधार के दिखाते हैं। तो हम लोग का जंगल ही राज अच्छा लगता है ज्यादा। इंसान वर्तमान सरकार के द्वारा तो बोला आता है कि जब लालू जी का जब राज था तो जंगल राज था, उनके द्वारा तो यही बोला जाता है। हाँ, उनके द्वारा तो वही बोला जाता है, तो कह रहे थे मोदी जी क्या किए, जंगल राज हटाए कि जंगल राज लाए, और नीतीश क्या किए, जदयू जी क्या किए, वही किए। बालू यहाँ से बिहार वाला को भूखा मार रहा, प्रदेश में बालू भेज रहा, ट्रेन के ट्रेन, ये क्या नियम है? मैंने बिहार में ज्यादा सोना चाहता। गरीबी और बेरोजगारी पर किस तरीके से आपका नजरिया है? लालू विचार मंच क्या करेगा आने वाले दिनों में? लालू विचार मंच गरीबों का नेता है और इसका एहसास सारे लोग कर रहे हैं अब जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है। लालू के जाने के बाद सारा लोग बेसहारा हो गए। नीतीश जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोग से छुपा हुआ नहीं, मीडिया लोगों से भी छुपा हुआ नहीं, हर चैनल से भी छुपा हुआ नहीं, जिस तरह से अनाज बट रहा है, अभी जांच कर लीजिए हर वार्ड में अपने स्तर से, तो ऐसे गरीबों को अनाज मिल रहा है जिसके पास पक्का का मकान है, जो फूस में रह रहा है, जमीन पर रह रहा है, फूट पर सूत रहा है, उसका अनाज नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन भी मामला इसी तरह से, सारा वहाँ दलाल बैठकर सारा पैसा के यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अकाउंट्स में पैसा भेजा जा रहा है लेकिन बैंक के बाहर दलाल खड़ा है पैसा लेने के लिए। ये सब जेडीयू के लोग इस तरह से दुकान खोलकर बैठे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को पहले बोलते थे जंगल राज चल रहा है, जंगल राज किसका चल रहा है? जो वक्त आ गया आँख खोल कर देख, कभी ये राशन दुकान की जो बात आप कर रहे हैं, राशन दुकानदार खुद खुलेआम कैमरा में बोलता है कि हाँ हमको कम मिलता है इसलिए हम कम देते हैं, तो इसी स्थिति आपको भी जानकारी, सब लोगों को जानकारी, तो आप किस तरीके से इसको खत्म कीजिएगा, आपका कदम क्या रहेगा? इसकी कदम यह रहेगी कि जैसे कम लेने का सवाल ही नहीं उठता, हम कम क्यों लेंगे? इसको लेकर के आप जागरूकता क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जागरूकता कर रहे हैं लोगों के पास जाएंगे इस मैसेज को लेकर के ऐसा है कि गरीबों गरीब है, इसकी
जो भी अनाज है इसकी नाप तोल कर कटधारी ले और राशन को उठाएगा वो। कितने जगह पर अब तक कर चुके हैं काउंसलिंग? अभी तो शहर के 8-10 दुकानों में इस तरह से काम किया। क्या रहा जनता के बीच? जनता का रहा यही रहा, जनता ने आवाज उठाता रहा कि कोई महीना देता भी नहीं है, कोई महीना देता है। अभी तो ऐसा है कि एक महीना का राशन डबल राशन मिलता है, जिसको 10 किलो अनाज मिल रहा था उसको 20 किलो मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे कर्जधारी है उसको 10 किलो मिल रहा है, 20 किलो नहीं मिल रहा है। 10 किलो अनाज फ्री मिलता है, 10 किलो का पैसा मिलता है। कितने जगह पत्राचार किया? और अगर पत्राचार किए तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, इसका मतलब आपकी बात को समझ नहीं आ रहा, आपकी बात का वजन नहीं। दशहरा पर्व के लेकर सारे मामला रुका हुआ है, दिवाली दशहरा छठ इसके वजह से। इसके बाद हम लोग मजबूर होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे और हमारी बात तो किया गया है। इसमें अफजल इमाम को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, मोहम्मद जावेद को जिला सचिव बनाया गया है, मोहम्मद अफजल आलम को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, मोहम्मद दानिश को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, मोहम्मद मुन्ना को जिला महासचिव बनाया गया है और मोहम्मद ताजुद्दीन तनवीर को जिला सचिव बनाया गया है। जिला की कमेटी विस्तार की गई, इनको कुछ निर्देशित भी किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज यहाँ आना था, लेकिन उपचुनाव बिहार में जो सीटों पर चल रहा तारकपुर वगैरह थे उसमें व्यस्त हो गए हैं, जिसके कारक यहाँ नहीं आ पाए हैं। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं से और मीडिया प्रभारियों लोगों से, और इस बात के लिए मैं लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि जिला की कमेटी का विस्तार करना था, इसलिए मैं विस्तार कर रहा हूँ। इसके लिए अपना परिचय दिया, मेरा मोहम्मद शमीम मुर्शिद जी थे, लालू विचार मंच के जिला भोपाल का। प्रदेश के युवा अध्यक्ष आपको बनाया गया है, तमाम जगह से जिले में जितने भी युवा विचार मंच से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं लालू विचार मंच से यही कहना चाहता हूँ, खासकर युवाओं के लिए कि अभी लालू विचार मंच से मैं जुड़ा हूँ और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निमशाद अशरफ भैया जी के द्वारा मैं बनाया गया हूँ, और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय जी सर के द्वारा मैं मनोनीत किया गया हूँ। और युवाओं के लिए स्पेशली सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ूँगा, लालू विचार मंच को लेकर आगे बढ़ूँगा और पूरे प्रदेश में मैं आपके माध्यम से, मीडिया प्रभारी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवाओं का मुद्दा है, अभी आपने हाल ही में देखा STET का जो शिक्षा वाला जो हुआ है उसका कितना घोटाला किया गया है, तो हमारा मुद्दा यही रहेगा, इसको आगे लेकर बढ़ना है और पूरे बिहार में लालू विचार मंच के द्वारा इसको आगे बढ़ाना है और युवाओं को बेरोजगारी को दूर करना है और लालू विचार मंच को आगे बढ़ाना है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू नारायण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष युवा। बेरोजगारी सर बहुत ज्यादा नीचे हो गया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई वर्तमान की सरकार, तो वही तो मैं बोल, किस तरीके से सरकार से, तो वही तो अभी तो इसमें लालू विचार मंच में आज जिला का कमेटी गठन हुआ है और हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं और इन तमाम लोगों को ये निर्देश देते हैं कि इनको जो भी इनका जो फर्ज है उसको सही तरीके से अंजाम दें, जो जो दिशा निर्देश इनको दिया जाएगा उस रास्ते पे चलें, गरीबों की मदद करें, बेरोजगार का रास्ता निकालें, जो भी लोग जिस तरह से दबे कुचले लोग हैं उनकी सहायता करें और जो लालू विचार मंच का उद्देश्य है उसी रास्ते पे चलें। हम इसका स्वागत करते हैं गया जिला के कमेटी का। मैं आलमगीर शफी, प्रदेश सचिव लालू विचार मंच। बताइए जी। मैं अफजल इमाम, लालू विचार मंच गया जिला अध्यक्ष। मुझे ये कहना है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सारे लोग परेशान हैं, बिजनेसमैन भी परेशान हैं और इस तरह का देख रहा अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इस तरह को हम लोग देखते हुए अब निर्णय लिया है कि हम लोग युवाओं को कुछ करना चाहिए और एकजुट होकर के कुछ करने का मौका हासिल करना चाहते हैं और करने का पूरा कोशिश करेंगे, पूरा उमंग है और हमारे साथियों का भी पूरा उमंग है लालू विचार मंच की तरफ से कि जो भी अपराध हो रहा है, बिजनेस नीचे गिरता जा रहा है, राज्य में बहुत बेरोजगारी है,
युवाएं जो है पढ़ लिख करके भी बेरोजगारी में चल रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर होना चाहिए। क्या सोचते हैं क्या लालू विचार मंच? मैं लालू विचार मंच को ये सोचकर ज्वाइन किया कि ये हमारे बाप दादा के टाइम से चलते आ रहे हैं लालू जी, और बहुत बेहतर चला है, इनके राज में बेहतर से बेहतर फील हुआ है। लेकिन अब जो है गरीबी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बिजनेसमैन लोग बहुत गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं केपी रोड में जिस तरह से फुटपाथ दुकानदार लोग हैं, उन लोगों के साथ भी अन्याय होना चालू हो चुका है कि सारे लोग यहाँ पे से हटाओ। तो लोग जब भूखे मरने लगेंगे तो उनको कौन दाना पानी करेगा? कुछ भी तो व्यवस्था होना चाहिए ना। तो अगर व्यवस्था नहीं होगा तो हम ही लोग को खड़ा होना पड़ेगा ना, किसी को भी तो खड़ा होना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो फिर व्यवस्था सब ठीक रहेगा। मुझे यही कहना है मीडिया के माध्यम से, और मैं लालू विचार मंच से गया जिला अध्यक्ष अब्दुल इमाम। चलिए ठीक है, R9 भारत के लिए।